ये जो हम अभी देखने जा रहे हो वह हमारा पिनेकल का क्वेश्चन। पिनेकल जो हमारा है, पिनेकल का स्टैटिक जीके देखेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला है कि फीफा, फीफा से रिलेटेड है कि फेडरेशन ऑफ फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रांस में, फ्रांस, ठीक है। फीफा की स्थापना कब हुई थी पूछेगा, तो 1904 में। बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रीय संघों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की देखरेख के लिए की गई। ज्यूरिख में इसका मुख्यालय किसका, फीफा का। यदि फीफा का मुख्यालय पूछे मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ बताइएगा, ज्यूरिख में, ज्यूरिख, ठीक है। तो हम फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी, फ्रांस में। अगला, मोहम्मद दास किस खेल से संबंधित है, तो मोहम्मद दास की बात करें तो यह टेबल टेनिस से संबंधित है। कौन, मोहम्मद दास। और इन्हें, और इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं तो पता चलता है क्या चीज़, मोहम्मद दास 2018 में महिला टीम प्रतियोगिता में स्वर्ण सहित राष्ट्रमंडल खेलों के पाई, 2018 में क्या जीती थी, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण सहित, ये याद रखेगा। ओलंपिक के छल में इनमें से कौन सा रंग नहीं होता, तो गुलाबी नहीं होता, बाकी हरा होता, नीला होता, लाल होता। कौन कौन होता देखिए, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ये पांच रंग होते हैं, याद रखिएगा। मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है, तो अंडर वेट नहीं है, मिडिल वेट होता है, हैवी वेट होता है, लाइट वेट होता है, लेकिन अंडर वेट नहीं होता। अगला, पहले दक्षिण, ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा, 17 डिवीज़न हो गई है। पहले पिछले कुछ वर्षों में मूल 8 डिवीज़न थे, 8 डिवीज़न थे, अब इसे 17 डिवीज़न में वृद्धि कर दिया, यानी 8 से कितने कर दिया गया है, 17 डिवीज़न, ये भी याद रखिएगा। पहले दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था, तो यह नेपाल में, कहाँ, नेपाल। कब किया गया था, तो 1983 में किया गया था, 1983 में, ये याद रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को जीवन भर की उपलब्धि के लिए जाता दिया जाता है, तो ध्यानचंद पुरस्कार है, जो खेल में, खेल व्यक्ति जो कोई खेलता है उसके जीवन भर में जो उपलब्धि प्राप्त करता है उसको दिया जाता है। और यह जो ध्यानचंद पुरस्कार महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, ठीक है। उनके बारे में कहा जाता है कि जब गेंद हॉकी स्टिक से जब गेंद को गोल करने के लिए जाते थे, तो उनके ऐसा माना जाता है कि उनके स्टिक में गेंद क्या करता था, चिपक जाता था। तो जो यहाँ का, जर्मनी का जो राजा था, कौन, हिटलर था, उस समय उससे प्रभावित होकर अपने क्लब में जुड़ने के लिए भी बोला था, लेकिन वे जुड़ने से इनकार कर दिए थे। टेनिस का रोनाल्ड गैरोस ग्रैंड स्लैम कहाँ आयोजित किया जाता है, तो टेनिस का रोनाल्ड गैरोस स्लैम पेरिस में, कहाँ, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया, तो यह जापान में। 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसे 32 ओलंपियाड के खेल में, कितने, 10, 20, 30, 32 ओलंपिक खेल के रूप में जाना जाता है। मतलब निम्न में से कौन सा संगठन विश्व टेनिस शासी निकाय है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, यह कैसा निकाय है, तो विश्व शासी निकाय है। मतलब भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्वी राज्य से है, तो यह मणिपुर, कहाँ से, तो मणिपुर से। सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है, किससे साथी, उसका संबंध फुटबॉल से है, सुनील छेत्री का। अगला, किस खेल में बजीरा,
घोड़ा, राजा और रानी, तो या तो होता है शतरंज में। ओलंपिक में 1900 से अब तक निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेला गया? तो क्रिकेट 1900 से अभी तक बैडमिंटन खेला जाता है, तीरंदाजी खेला गया, हॉकी खेला गया। पारंपरिक खेल रोज खेल राज में निम्न में से कौन सा गलत? थांगटा मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है, कैसा आर्ट है? तो मार्शल आर्ट। सिलंबर भारत के सिलंबर है जो ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नहीं तमिलनाडु में है। मुकाना मणिपुर में, गतका पंजाब में। उसैन बोल्ट का संबंध एथलेट्स है। अगला है, विश्व में बास्केटबॉल को प्रशासित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? तो फीबा, FIBA। फीबा का यदि फुल फॉर्म बोले हैं तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल, इंटरनेट फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल। नॉकआउट और नॉकडाउन किसमें होता है? तो मुक्केबाजी में नॉकआउट और नॉकडाउन। ओलंपिक खेल पदक के साथ कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किया गया? तो 4 खिलाड़ी को ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ कितने ग्रैंड स्लैम? तो 4 को। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। 2004 में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की क्या हुई थी साथियों? स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जनार्दन सिंह गल्होत्र। अगला, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी संबंधित नहीं है? तो हरमनप्रीत सिंह क्या है? क्रिकेट खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी। और PF राफल, सरदार सिंह, SV सुनील, ये सारे क्या हैं? हॉकी खिलाड़ी हैं। लाइक किसी NBA खेल में खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यह सिम भुल्लर, जो क्या है? NBA खेल में खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं। मतलब प्रथम भारतीय नाविक का नाम बताएं जिसने वर्ष 2010 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो बजरंग लाल ताखर। ये बजरंग लाल ताखर थे जिन्होंने एशियाई खेल में, प्रथम एशियाई खेल में क्या किए थे? स्वर्ण जीते थे। मतलब PSA विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंचने वाले पहले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह है सौरभ घोषाल। कौन है? सौरभ घोषाल। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह है पेरिस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस में। कितने वक्त? 10, 20, 22 तो हो चुका था, तो अगला 23वां होगा। अगला, एशियाई खेलों में 48 वर्ष के अंतराल के बाद किस एथलीट ने भारत के लिए पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो अरपिंदर सिंह के द्वारा ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक दिया गया 18 में। जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या के दृष्टिकोण से राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा। भारत ने 26 स्वर्ण पदक और कुल 26 स्वर्ण पदक जीता, जिसमें टोटल की बात करें तो 66। कितने स्वर्ण पदक? 26 स्वर्ण पदक, और टोटल की बात करें तो कितने? 66। कहाँ हुआ था 2018 का? गोल्ड कोस्ट में। गोल्ड कोस्ट कहाँ है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। 18वीं उपस्थिति थी। और किमें स्थान पर भारत रहा था? तो तीसरे स्थान पर। इतना फैक्ट इससे याद रखिएगा। दत्तू भोकानल का संबंध किस खेल से है? तो मोनोकियान। दत्तू भवन प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली के द्वारा वर्ष 2016 के लिए जारी किए गए आंकड़े के अनुसार भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर 34 है। कब के? 2016 के। सुल्तान ऑफ जौहर कप का संबंध किस खेल से है?
तो यह है हॉकी से जौहर कप। अगला जौहर कप के बारे में देखते हैं। जौहर कप को सुल्तान मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंडर 20 करने का मतलब इक्कीस एज के पुरुष हॉकी फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है मुक्केबाजी के लिए दुर्योधन सिंह। आगे देखते हैं। फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोली 11वें सेकंड में स्कोर करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो यह हक्कन सुकर के पास। फ्लशिंग मिडोज में स्थानांतरित होने से पहले यूएसए ओपन टेनिस चैंपियनशिप का स्थल कहाँ था? तो यह था बन हिल्स में। निम्नलिखित में से कौन भारत महिला मुक्केबाजी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदार्पण के में फाइनल के में पहुंचने का गौरव नहीं रखती है? तो जमुना बोरो, मंजू रानी, सोनिया चहल, सरजू बाला देवी। भारतीय महिला मुक्केबाजी ने अपने डेब्यू में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का गौरव रखती हैं। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ये कौन से बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो बैडमिंटन 8 बार के विश्व चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी निकोल डेविड किस देश से हैं? तो ये मलेशिया से। कहाँ से? मलेशिया से हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ISSF के द्वारा ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो यह अभिनव बिरिंद्रा। अगला ये कौन है राइफल में? अभिनव बिरिंदा बीजिंग ओलंपिक। देखिए इनके बारे में बताते हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008 में बीजिंग में क्या इन्होंने 10 मीटर की एयर राइफल में क्या स्वर्ण पदक जीते थे? आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक चांदी है, सिल्वर 92.5% और 6 ग्राम ही सोना होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मर्दानी खेल पर भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट का रूप है? तो यह महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अर्चना कामत का संबंध एक टेबल टेनिस खिलाड़ी से किससे है? तो टेबल टेनिस का अर्चना कामत है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती को उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। अगला 2018 में पुलेला गोपीचंद हैदराबाद अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह हैदराबाद में। 2008 में टेनिस में 1 साल कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं? तो 4। कौन कौन? ऑस्ट्रेलियन, फ्रांस, ब्रिटेन को विंबलडन बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यूएसए। कहाँ पर प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल आयोजित किए गए थे? तो यह 1976 में पैरालंपिक इतिहास का पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल स्वीडन में। कहाँ? तो स्वीडन में आयोजित किया गया था पैरालंपिक। मैग्नस कार्लसन का संबंध शतरंज से, चेस से। पंकज अडवाणी ने कितनी बार IBSF बिलियर्ड चैंपियनशिप जीता? तो यह 22 बार। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस प्रति वर्ष 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद सिंह के सम्मान। महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण पदक कौन से संबंधित? तो हॉकी से। निम्नलिखित कौन भारतीय भारत्तोलन नहीं है? तो यह दीपिका पल्लिकल, राखी हैदर,
कर्णमल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, सारे तीनों भारोत्तोलक हैं, लेकिन दीपिका पल्लिकल एक पेशेवर क्या है, स्क्वैश खिलाड़ी है, स्क्वैश। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता? तो यह है ब्राज़ील के द्वारा सबसे अधिक बार फीफा जीता गया, 1986 के एशियाई खेल जो कि सियोल दक्षिण कोरिया में खेले गए थे, उनमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत के द्वारा 1986 का सियोल ए दक्षिण एशियाई खेल के, हेलो, हाँ आ रहे हैं।